हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में वेल्डिंग के बारे में। वेल्डिंग के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वेल्डिंग की टेक्निक्स, वेल्डिंग की पोजीशंस। तो वेल्डिंग के टाइप्स पढ़े थे हमने, वेल्डिंग की प्रोसेसेस पढ़ी थी कि गैस वेल्डिंग होती है, आर्क वेल्डिंग होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, उसके अंदर काफी प्रकार की और वेल्डिंग थी, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग। तो आज हम इस लेक्चर में सबसे पहले पढ़ेंगे गैस वेल्डिंग के बारे में कि गैस वेल्डिंग क्या होती है। गैस वेल्डिंग, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वेल्डिंग क्या होती है। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वेल्डिंग क्या होती है, कोई भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं, दो पीसीज हैं मेटल के, उनको हम आपस में जोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीट। हीट की सहायता से हम दो पीसीज को, दो मेटल्स को आपस में जोड़ रहे हैं, तो उसको हम बोलते थे वेल्डिंग। अब बात कर रहे हैं गैस वेल्डिंग की। तो गैस वेल्डिंग नाम से पता लग रहा है गैस, यानी कि गैसेस की सहायता से हमारे पास कोई भी गैस है, मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एयर का मिक्सचर है, एस्टीन गैस है या फ्यू गैसेस है, उनका जब कंबशन होता है, उनको जब हम जलाते हैं, तो उनको जलाने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट की सहायता से हम जब दो मेटल्स को, दो पीसीज को आपस में जोड़ते हैं, तो वो बनती है हमारी गैस वेल्डिंग। तो वो क्या होती है, गैस वेल्डिंग। तो ये क्या है, इट इज ए फ्यूजन ऑफ वेल्डिंग। क्या है, इट इज ए फ्यूजन ऑफ वेल्डिंग इन विच हीट इज प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ फ्लू गैसेस। कि हमारे पास कोई भी गैसेस है, फ्लू गैसेस, चाहे वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एयर का मिक्सचर है, ऑक्सीजन एसिटिलीन का मिक्सचर है, जब कुछ भी फ्लू गैसेस है, हाइड्रोजन गैसेस है, उनको जलाने के बाद, उनको जलाने से जो हमें हीट मिलेगी, उस हीट की सहायता से जब हम दो पार्ट्स को आपस में जोड़ेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, तो उस वेल्डिंग को क्या बोलते हैं, गैस वेल्डिंग। और गैस वेल्डिंग मेनली जो हम करते हैं, वो करते हैं शीट मेटल्स पे, जो हमारी शीट मेटल्स होती हैं उनको जोड़ने के लिए, जिनकी थिकनेस 2 mm से लेके 50 mm, जिनकी थिकनेस कितनी होती है, 2 mm से लेके 50 mm तक थिकनेस होती है, तो उनको जोड़ने के लिए, ऐसी शीट मेटल्स को जोड़ने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं। इसमें और है, अगर हमारी थिकनेस, किसी भी शीट मेटल की थिकनेस अगर 15 mm से ज्यादा है, 15 mm से क्या है, ज्यादा है, तो हम एक फिलर मेटल रोड का, फिलर मेटल का क्या कर लेंगे, एक्स्ट्रा यूज कर लेंगे। हम किसका यूज करेंगे, फिलर मेटल का। तो गैस वेल्डिंग में आपने क्या पढ़ा कि गैस वेल्डिंग क्या, एक फ्यूजन वेल्डिंग है, जिसके अंदर जो भी हीट प्रोड्यूस होती है वो किसकी सहायता से प्रोड्यूस होती है, वो होती है कंबशन ऑफ फ्लू गैसेस। जो भी हमारी गैसेस वगैरह है, फ्यूल गैसेस है, जब वो जलती है, तो उन जलने के वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट से जब हम किसी कंपोनेंट्स को, किसी पार्ट्स को, जब दो मेटल्स के हमारे पीसीज है, उनको हम आपस में जोड़ते हैं, उनको हम आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे गैस वेल्डिंग। और गैस वेल्डिंग में बताया कि गैस वेल्डिंग का यूज हम शीट मेटल्स के लिए करते हैं, जो भी शीट मेटल्स होती हैं उनको जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं गैस में वेल्डिंग का। जो थिकनेस होती है उनकी, वो होती है 2 mm से लेके 50 mm, 2 से लेके 50 mm तक की कोई भी थिकनेस वाली, कोई भी थिक जो भी प्लेट है, शीट मेटल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार अगर थिकनेस हमारी 15 mm से ज्यादा हो रही है, तो हम एक एक्स्ट्रा मेटल का यूज करते हैं, उस मेटल को बोल देते हैं फिलर मेटल, उस मेटल को हम क्या बोलते हैं, फिलर मेटल। तो ये हमारी थी गैस वेल्डिंग। तो ये हमारी क्या थी, गैस वेल्डिंग, सिंपल वेल्डिंग ही है, लेकिन इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी सहायता से हो रही है, कंबशन ऑफ फ्यूल गैसेस, कि जो हमारी गैसेस है उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, और उस हीट से हम किसी पार्ट्स को, दो पार्ट्स को आपस में जोड़ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, गैस वेल्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग आगे कई प्रकार की होती है, हम उसमें से केवल नॉर्मली एक पढ़ेंगे, ऑक्सी एस्टीलीन वेल्डिंग ACETYLENE, ऑक्सी एस्टीलीन वेल्डिंग। ऑक्सी और एस्टीलीन, ये क्या है, हमारे पास दो गैसेस है, ऑक्सी और एस्टीलीन। तो इन गैसेस के, इन गैसेस का जब मिक्सचर होता है,
मान लीजिए हमारी एस्टीन गैस है, एस्टीन गैस जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है, जब प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का वेल्डिंग टॉर्च के अंदर, तो ये क्या होती है, इग्निटेड हो जाती है। जब एस्टीन गैस ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है प्रॉपर पोर्शन में, यानी कि जितनी अमाउंट चाहिए उस अमाउंट में एस्टीन और ऑक्सीजन का जब आपस में मिक्सचर होता है कहां पे, वेल्डिंग टॉर्च में, तो उसके बाद क्या होती है, ये इग्निटेड हो जाती है। इग्निटेड होने की वजह से क्या होती है, जलना शुरू करती है, मतलब इग्निटेड जलना शुरू कर दिया, इसके अंदर से फ्लेम निकलेगी। जो फ्लेम होती है वो कहां तक मान लीजिए पहुंचती है, वो 3200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 3200 डिग्री सेल्सियस, ये एक टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पे ये क्या होती है, ऑक्सीस्टीन वेल्डिंग में क्या होता है, जो भी पूरी तरह से हीट होना शुरू करती है और मेल्ट होना, यानी कि मेटल जो भी है वो मेल्ट होना क्या कर देती है, शुरू हो जाती है, जो इसका टेम्परेचर वो कितना होता है, 3200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमने एस्टीलीन और ऑक्सीस्टीन वेल्डिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब एस्टीलीन वेल्डिंग, जो एस्टीलीन जो हमारी गैस होती है वो ऑक्सीजन के साथ प्रॉपर पोर्शन में, प्रॉपर मात्रा में जब वेल्डिंग टॉर्च के अंदर मिक्स होती है तो वो क्या करती है, जलना शुरू कर देती है, इग्निटेड हो जाती है, जलना शुरू होती है। और उस जलने की वजह से क्या होता है, वो जो टिप होती है, जैसे वेल्डिंग टॉर्च होती है, वेल्डिंग टॉर्च की जो टिप होती है वहां तक पहुंचती है और वो मेटल को क्या करना, मेल्ट करना शुरू कर देती है। मेल्ट होना शुरू होगी तो वो क्या होगा, मेटल्स जो भी हम जोड़ना चाहते हैं वो आपस में क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। जो टेम्परेचर होता है वो उसका वो होता है 3200 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होता है, 3200 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर भी हम एक फिलर मेटल का, या फिलर रोड बोल सकते हो, या फिलर मेटल बोल सकते हो, उसका हम अलग से यूज करते हैं। वो अलग से यूज क्यों करते हैं, ताकि जब हम कोई भी वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग क्या बने, पूरी स्मूथ, यानी कि स्ट्रॉन्ग और स्मूथ। स्मूथ वेल्डिंग और स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग का जो बना रहे हैं जो, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं एक फिलर मेटल का एडिशन के तौर पर। तो हम किसका यूज करते हैं, फिलर मेटल का। तो ये ऑक्सीस्टीन वेल्डिंग में हमने क्या पढ़ा कि ये ऑक्सीजन और एस्टीन गैस का मिक्सचर होता है। एस्टीन गैस जब ऑक्सीजन के साथ प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर क्वांटिटी में मिक्स होती है तो वो वेल्डिंग टॉर्च के अंदर क्या करती है, जलना शुरू कर देती है। जलना शुरू होता है तो उसके बाद क्या होती है, जो टिप होती है वेल्डिंग टॉर्च की, जहां से वेल्डिंग हम करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से क्या होता है, जो भी मेटल्स है, जो हम पीसीज को आपस में जोड़ना चाहते हैं, तो वो क्या कर देती है, उसको मेल्ट करती है, और मेल्ट करने के बाद उसको क्या आपस में जोड़ देती है। जो इसका टेम्परेचर होता है वो होता है 3200 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होता है, 3200 डिग्री सेल्सियस। और हम जो वेल्डिंग का जो ज्वाइंट बना रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक एडिशन मेटल का यूज कर लेते हैं। उस मेटल को हम बोल देते हैं फिलर मेटल। हमने एक अलग से मटेरियल का यूज कर लिया ताकि हमारा जो वेल्डिंग का ज्वाइंट हम बना रहे हैं, वेल्ड ज्वाइंट बना रहे हैं, वो और स्ट्रॉन्ग बने। तो उसके लिए हम एक अलग मटेरियल का, अलग मेटल का यूज करते हैं। उस मेटल को क्या बोल देते हैं, फिलर मेटल। तो उस मेटल को हम क्या बोलते हैं, फिलर मेटल। तो ये हमने पढ़ा ऑक्सीस्टीन वेल्डिंग क्या है, एक गैस वेल्डिंग की फॉर्म है जिसके अंदर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होती है और एस्टीन गैस होती है, वो क्या है, प्रॉपर मात्रा में मिक्स होती है, उसके बाद जलना शुरू करती है। जलने के बाद वो क्या करती है, जो टिप होती है उसको गर्म कर देती है, जिससे कि मेटल्स क्या होती है, मेल्ट होना शुरू होती है और हमारा ज्वाइंट वेल्ड हो जाता है। मतलब जिस भी चीज को हम जोड़ना चाहते हैं, मेटल के दो पीसेस को जोड़ना चाहते हैं आपस में, उनको हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लेम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। टाइप्स ऑफ फ्लेम, जैसे हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग के दौरान क्या फ्लेम्स निकलती है, तो हमने पढ़ना है कि फ्लेम्स कितने प्रकार की होती है। तो फ्लेम जो होती है वो नॉर्मली होती है 3 प्रकार की। पहली है न्यूट्रल फ्लेम, फर्स्ट है हमारी न्यूट्रल फ्लेम। पहली हमारी क्या है, न्यूट्रल फ्लेम। सेकंड है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। फर्स्ट वन है न्यूट्रल फ्लेम, सेकंड है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तीसरी है कार्बोराइजिंग। तीसरी है कार्बोराइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम।
कार्बोराइजिंग भी बोल सकते हैं और रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग फ्लेम। तो ये जब हम फ्लेम्स की बात करते हैं, जैसे हम गैस वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वेल्डिंग के दौरान जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो हीट की वजह से क्या फ्लेम्स निकलती हैं, ठीक है। तो फ्लेम क्या होती है, तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लेम कि कितने प्रकार की फ्लेम्स होती है। तो फ्लेम्स होती है नॉर्मली तीन प्रकार की, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम, या फिर इसको हम रिड्यूसिंग फ्लेम भी बोल देते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रल फ्लेम की कि न्यूट्रल फ्लेम क्या है। न्यूट्रल यानी कि जैसे हम बोल देते हैं न्यूट्रल एक जगह पे एक जैसी हो, तो इसमें क्या है, जो भी ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, इक्वल अमाउंट में, यानी कि जो उनकी क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, अमाउंट क्या होगी, इक्वल। अगर किसी भी फ्लेम में, मान लीजिए वो फ्लेम है, उसके अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एंड C2H2 यानी कि ये होता है एसिटिलीन C2H2 अगर क्या है प्रॉपर अमाउंट में, यानी कि इक्वल अमाउंट में है O2 और C2H2 यानी ये है ऑक्सीजन ये है एसिटिलीन, दोनों गैसेस अगर इक्वल अमाउंट में है तो वो हमारी होगी न्यूट्रल फ्लेम। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसेस अगर इक्वल अमाउंट में है किसी फ्लेम में तो वो फ्लेम कौन सी होती है, उस फ्लेम को हम बोलते हैं न्यूट्रल फ्लेम। इसको जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है या कार्बोराइजिंग फ्लेम है, तो वो कैसे करते हैं, जो इसका इनर कोन होता है, जैसे फ्लेम निकल रही है तो फ्लेम के अंदर का जो इनर कोन होगा वो होता है व्हाइट कलर का, जो इनर कोन होता है हम देखते हैं तो वो हमें दिखेगी व्हाइट, और जो अंदर का आउटर पार्ट होगा, आउटर यानी कि बाहर, वो होता है ब्लू कलर का, वो होता है ब्लू। न्यूट्रल फ्लेम का क्या है, जो इसका इनर कोन होगा, जो होता है इनर कोन है वो तो होगा व्हाइट कलर का, और जो आउटर कोन होगा वो होगा ब्लू कलर का। तो न्यूट्रल फ्लेम में हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रल फ्लेम कौन सी फ्लेम होती है, वो फ्लेम होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों इक्वल अमाउंट में होती है, यानी कि दोनों की जो क्वांटिटी है, दोनों की जो मात्रा है वो क्या होगी, एक समान यानी कि एक जैसी होगी। इसके अंदर जो हम, जैसे हम फ्लेम है तो हम उनको देख रहे हैं, तो जो अंदर का जो उसका कोण बन रहा होगा, जैसे ये चीज है तो अंदर का जो कोण बन रहा होगा, अंदर का जो कोण होगा वो क्या होगा, व्हाइट कलर का। इनर कोण होगा व्हाइट कलर का और जो आउटर कोण होगा वो होगा ब्लू कलर का, वो कौन से कलर का होगा, ब्लू कलर का। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की, तो ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन, तो इसके अंदर क्या होगी, इक्वल नहीं होगी अमाउंट, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि O2, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस फ्लेम को हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जिस फ्लेम के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन से ज्यादा होगी उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये भी सेम होती है जैसे हमारी न्यूट्रल फ्लेम होती है, सेम होती है, लेकिन जो इसका इनर कोन होता है वो शॉर्टर यानी कि थोड़ा सा छोटा होता है, न्यूट्रल फ्लेम की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, शॉर्टर यानी कि छोटा होता है। तो अभी हमने दो पढ़ा, न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग। न्यूट्रल में क्या था, ऑक्सीजन और एसिटिलीन की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो क्या होगी, एक जैसी, एक समान होगी। जब हम ऑक्सीडाइजिंग की बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होगा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो एसिटिलीन से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड वन की, कार्बोराइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारी एसिटिलीन गैसेस है, एसिटिलीन है, उसकी मात्रा क्या होगी, जितनी हमें चाहिए उससे क्या होगी, ज्यादा, उससे क्या होगी, ज्यादा, एक्सेस ऑफ C2H2 यानी कि एसिटिलीन गैस की क्वांटिटी, एसिटिलीन गैस की मात्रा कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हमने पढ़ा तीन फ्लेम के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में। सबसे पहले हमने बात की न्यूट्रल फ्लेम की, कि न्यूट्रल फ्लेम क्या होती है, ऐसी फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन की क्वांटिटी मात्रा क्या है, एक समान है, इक्वल अमाउंट है, तो वो हमारी है न्यूट्रल फ्लेम। इसका इनर कोन व्हाइट होता है, आउटर कोन
ब्लू कलर का होता है। उसके बाद जब हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग यानी कि ऑक्सीजन, नाम से पता लग रहा है, तो इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, O2 की मात्रा क्या होगी, एसिटिलीन गैसेस से ज्यादा होगी। उसके बाद जब हम बात करेंगे थर्ड वन की, कार्बोराइजिंग या फिर रिड्यूसिंग फ्लेम की, तो इसमें क्या होगा, एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन से क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि C2H2O2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हमने पढ़ा फ्लेम के बारे में कि फ्लेम तीन प्रकार की होती है। अब हम पढ़ेंगे इनके यूज, कि जो हमारी फ्लेम्स हैं, जैसे हमने तीन फ्लेम किए हैं, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम, इनका यूज कहां पे होता है, किन चीजों को वेल्ड करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, किन चीजों को वेल्ड करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रल फ्लेम की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रल फ्लेम, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ, ठीक है, या एप्लीकेशन बोल सकते हो, या यूज ऑफ फ्लेम्स, कि जो हमने फ्लेम्स पढ़ी है इनका यूज कहां पे होता है, यूज ऑफ फ्लेम। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम न्यूट्रल फ्लेम की, कि जो हमारी न्यूट्रल फ्लेम है, जो हमारी न्यूट्रल फ्लेम है, इसका यूज हम कहां पे करते हैं, किन चीजों को वेल्ड करने के लिए यूज करते हैं। तो जो भी हमारा स्टील होता है, कॉपर होता है, कास्ट आयरन होता है, उनको वेल्ड करने के लिए किन में यूज करते हैं, चाहे हमारा स्टील है, कॉपर है, कास्ट आयरन है, स्टेनलेस स्टील है, तो इन सभी को वेल्ड करने के लिए, इन सभी को वेल्डिंग करने के लिए, इन सभी को पार्ट, मान लो कोई स्टील का पार्ट है, स्टील का कोई कंपोनेंट है, कॉपर का है, कास्ट आयरन का है, या स्टेनलेस स्टील का है, तो उन सभी को वेल्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, न्यूट्रल फ्लेम का, हम किसका यूज कर रहे हैं, न्यूट्रल फ्लेम का। उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड की, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कि ऑक्सीडाइजिंग जो फ्लेम होती है उसका यूज हम कहां पे करते हैं, जैसे हमारी नॉर्मली ब्रास होती है, जिंक होता है, ऐसे मटेरियल्स को वेल्ड करने के लिए, ऐसे मटेरियल को वेल्ड करने के लिए हम यूज किसका करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का, जिंक हो या फिर क्या हो, ब्रास एटसेट्रा इत्यादि। तो अभी हमने दो फ्लेम्स के यूज पढ़े कि कहां कहां पे यूज होती हैं वो, जैसे न्यूट्रल फ्लेम है तो स्टील, कॉपर, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम वेल्ड करना चाहते हैं, ऐसे पार्ट्स को हम वेल्ड करना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स को वेल्ड करना चाहते हैं, तो हम यूज करेंगे न्यूट्रल फ्लेम का। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज कब करेंगे, जब हमने जिंक या ब्रास जैसे मटेरियल्स उनको वेल्ड करना है तो हम यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग का। अब है हमारी थर्ड वन कार्बोराइजिंग, ठीक है कार्बोराइजिंग फ्लेम, या फिर हम इसको एक और क्या बोलते थे, रिड्यूसिंग फ्लेम, कि इसका यूज हम कहां पे करते हैं, तो इनका यूज हम करते हैं जो भी हमारे निकल होती है, जहां सीमेंटेड कार्बाइड होता है, हाई स्पीड स्टील होता है, तो उनमें यूज करते हैं, ठीक है, हाई स्पीड स्टील में यूज कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी निकल होती है तो निकल में भी हम इसका यूज करते हैं, निकल हो गई, या फिर सीमेंटेड कार्बाइड, जो हमारी सीमेंटेड कार्बाइड मटेरियल होता है तो उनके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कार्बोराइजिंग फ्लेम का। तो अभी हमने सबसे पहले हमने फ्लेम के टाइप्स पढ़ लिए, हमारी तीन प्रकार की फ्लेम्स थी, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोराइजिंग। अब हमने पढ़ा उनके यूज के बारे में कि न्यूट्रल फ्लेम है वो कहां पे यूज होती है, स्टील में, कॉपर में, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील एटसेट्रा, इनमें हम यूज करते हैं। जब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज होता है जिंक, ब्रास एटसेट्रा, जो भी मटेरियल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कार्बोराइजिंग फ्लेम की, कि कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज कहां पे होता है, हाई स्पीड हमारा कोई स्टील है,
या फिर निकल है या सीमेंटेड कार्बाइड है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स के, ऐसे मटेरियल्स में हम यूज करेंगे कार्बोराइजिंग फ्लेम का। तो किसका यूज करेंगे? कार्बोराइजिंग फ्लेम का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारी गैस वेल्डिंग होती है, तो गैस वेल्डिंग के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं गैस वेल्डिंग के दौरान। ये हमने गैस वेल्डिंग करनी है, तो गैस वेल्डिंग के दौरान हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। ठीक है, टॉपिक है गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक क्या है? गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स, गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स। कि जब हम गैस वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस दौरान जो हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हैं, तो ये काफी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। पहले हम उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है जैसे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, क्योंकि हम ऑक्सीजन एसलिन गैस का पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें सिलेंडर की जरूरत होगी, एक ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर की, एक एसलिन गैस के सिलेंडर की। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। इसी प्रकार एक और पार्ट कौन सा होगा? एसलिन गैस सिलेंडर। कौन सा होगा? एसलिन, एसलिन गैस सिलेंडर। कौन सा होगा? एस्टिलीन गैस सिलेंडर। नेक्स्ट अब हम के रेगुलेटर की बात करेंगे, तो होगा ऑक्सीजन प्रेशर रेगुलेटर और एस्टिलीन प्रेशर रेगुलेटर। तो बात करेंगे ऑक्सीजन प्रेशर, ऑक्सीजन गैस प्रेशर रेगुलेटर, रेगुलेटर, और इसी प्रकार क्या होगा? एस्टिलीन प्रेशर रेगुलेटर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? वेल्डिंग टॉर्च की जरूरत होगी हमें, या फिर हम इसको ब्लो पाइप भी बोल सकते हैं, ब्लो पाइप, ब्लो पाइप की जरूरत होगी। उसके बाद क्या है हमें नेक्स्ट जो हमें चाहिए क्या होगी? जैसे हमारे फिलर रोड होती है, फिलर रोड एंड फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स, तो ये मेन इक्विपमेंट्स हैं जिनकी हमें क्या होती है? जरूरत होती है। तो ये क्या है? मेन इक्विपमेंट्स कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर गैस वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स हैं जो हमने मेन मेन है वो हमने लिखे हैं। कौन सा है? ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। तो सबसे पहले क्योंकि हमारी वेल्डिंग कौन सी है? गैस वेल्डिंग है, जिसमें हम ऑक्सीजन और एस्टिलीन गैस का यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर चाहिए होगा और एस्टिलीन गैस का सिलेंडर चाहिए होगा। उसके बाद इनको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि हम गैसेस से काम कर रहे हैं तो उनको रेगुलेट करना पड़ेगा कि कब कितनी सप्लाई करनी है, कैसे कंट्रोल करना है, तो हमें ऑक्सीजन प्रेशर रेगुलेटर की भी जरूरत होगी और एस्टिलीन प्रेशर रेगुलेटर की भी क्या होगी? जरूरत होगी। नेक्स्ट जो है वो है वेल्डिंग टॉर्च, क्योंकि हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग टॉर्च की भी जरूरत होगी, तो ये भी क्या है? इसका इक्विपमेंट्स आ गया। उसके बाद फिलर रोड, वेल्डिंग बताया था कि वेल्डिंग अगर हम 15 mm से ज्यादा कर रहे हैं, थिक मटेरियल पे वेल्डिंग कर रहे हैं, तो हमें फिलर रोड की भी जरूरत होगी। और उसके बाद एक फ्लक्स की जरूरत होती है। फ्लक्स क्या करता है? जो भी ऑक्सीडाइजिंग, कई बार क्या होता है हम ऑक्सीजन गैस का यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कई बार क्या होती है? ज्यादा हो जाती है वेल्डिंग की वजह से, जिसमें वेल्डिंग हमें क्या है? प्रॉपर हमारी होती नहीं है, इम्प्यूरिटीज आती है, उनको रिमूव करने के लिए हम फ्लक्स का भी यूज कर लेते हैं। तो इन छह के बारे में अब हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर क्या होता है, एस्टिलीन गैस सिलेंडर क्या होता है, प्रेशर रेगुलेटर क्या होता है ऑक्सीजन वाला, एस्टिलीन प्रेशर रेगुलेटर क्या होता है, वेल्डिंग टॉर्च क्या होती है, ब्लो पाइप क्या होता है, और फिलर रोड और फ्लक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कि किस कलर का होता है, कितना प्रेशर होता है, कितनी इसके अंदर गैस होती है, मतलब कितनी कैपेसिटी होती है, कितना वेट होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की, ऑक्सीजन गैस
सिलेंडर। इसकी बात कर रहे हैं हम ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की बात करें तो इसका जो कलर होता है, जो इसका कलर होता है वो क्या होता है, कलर जो होता है वो होता है इसका ब्लैक। कलर क्या होता है, ब्लैक। जो कलर होता है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का वो हमेशा क्या होता है, ब्लैक। अगर आप कहीं पे भी वर्कशॉप में जा रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हो, अगर वो सिलेंडर ब्लैक कलर का है तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। जो इसका प्रेशर होता है, यानी कि ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर होता है वो होता है, जो प्रेशर होता है गैस सिलेंडर का वो होता है 12.5 से लेके 14 mm square। तो जो भी इसका प्रेशर होगा, कलर क्या होगा, ब्लैक होगा, प्रेशर क्या होगा 12.5 से लेके 14 mm square। उसके बाद जो इसकी कैपेसिटी होती है वो होती है, जो इसकी कैपेसिटी होती है कि इसके अंदर कितना जो गैस है वो हम फिल कर सकते हैं, तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, कैपेसिटी होती है 6.23 क्यूबिक मीटर। जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 6.23 क्यूबिक मीटर। और जो इसका वेट होता है, जब ये पूरा फुल होता है तो वो वेट होता है 66 kg वेट, ठीक है, फुल। ये जब वो फुल होता है तो उसका वेट होता है 66 kg। तो अब हम सबसे पहले पढ़ रहे थे, क्योंकि ये हमारे क्या थे, इक्विपमेंट्स थे। किसके इक्विपमेंट थे, गैस वेल्डिंग के। तो गैस वेल्डिंग में हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या था, इक्विपमेंट क्या था, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन फिल होती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस भरी होती है। तो उस ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर का जो कलर होता है, मतलब देखने में अगर वो ब्लैक कलर का है तो हम बोलेंगे कि वो कौन सा सिलेंडर है, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है। कलर क्या होता है उसका, ब्लैक होता है। उसके बाद उसका जो प्रेशर होता है कि उसको हम कितने प्रेशर तक भर गैस भर सकते हैं, वो होता है प्रेशर 12.5 से लेके 14। कितना प्रेशर होता है, 12.5 से लेके 14। उसके बाद अगर हम उसकी कैपेसिटी की बात करते हैं, अगर हम उसकी क्या करते हैं, कैपेसिटी की बात, तो कैपेसिटी कितनी होती है, 6.23, यानी कि 6.23 क्यूबिक मीटर। जो सिलेंडर की कैपेसिटी है वो कितनी है, 6.23 क्यूबिक मीटर। उसके बाद हम वेट की बात करते हैं, जब हम गैसेस भर रहे हैं, जब ऑक्सीजन गैस से पूरा फुल है सिलेंडर, तो उसके बाद उसका जो वेट होता है वो होता है 66 kg। कितना होता है, 66 kg। तो ये हमने पढ़ा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के बारे में। क्या पढ़ा, कलर उसका ब्लैक होता है, प्रेशर 12.5 से लेकर 14 तक होता है, कैपेसिटी 6.23 होती है, यानी कि 6.23 होती है, जो उसका वेट होता है फुल वेट, यानी कि जब भरने के बाद उसका वेट होता है वो होता है 66 kg। तो आज हमने इसमें अभी तक पढ़ा कि गैस वेल्डिंग क्या होती है, उसके बाद ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ फ्लेम क्या होती है, फ्लेम का यूज कहां कहां पे होता है, फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या किया, गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट, कि गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं। हमने 5-6 इक्विपमेंट्स पढ़े, कौन कौन से थे, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, एसिटिलीन गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन प्रेशर रेगुलेटर, एसिटिलीन प्रेशर रेगुलेटर, फ्लक्स के बारे में पढ़ा, फिल्डर रोड के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद जो भी वेल्डिंग टॉर्च थी उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारे 5 इक्विपमेंट्स बचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर क्या होता है, ब्लो पाइप क्या होती है, फिलर रोड क्या होती है, फ्लक्स क्या होता है।